दिल्ली सरकार ने कल राजधानी दिल्ली में कुछ रियायतें दी थी, जिसके बाद काफ़ी सारी शराब की दुकानें जो हैं, लिक्वर शॉप जो हैं, वो खुल गई थी, जिसके बाद शराब की दुकानों पे काफ़ी भीड़ देखी गई थी, जिसके बाद रात में सरकार ने 70% कीमत, हर शराब पर 70% कीमत बढ़ा दी थी MRP के ऊपर। उसके बावजूद भी आज अगर आप देखें भीड़ अच्छी खासी लगी हुई है। मेरे पीछे ठेका देख लें, ये सरकारी ठेका है और यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। लेकिन खास बात जो है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप ये देखें इधर महिलाएँ, अगर आप देखें महिलाएँ भी आज लाइन में लगी हुई हैं। कारण यही है कि कल जिस तरीके से पुलिस ने लोगों के ऊपर सख्ती की थी, उसके बाद आज महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और महिलाओं ने, जहां पर आप ये देखें महिलाएं सड़कों पर खड़ी हुई हैं और यहीं पर पुलिस, लेडीज़ पुलिस भी तैनात की कर दी गई है कि लेडीज़ पुलिस, अगर आपको मैं दिखाऊं, लेडीज़ पुलिस भी यहां पर है जो कि इन महिलाओं की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। लेकिन खास बात यह है, पुरुषों में कल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, लेकिन आज इन महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग रखा हुआ है और पूरी तरीके से एक गैप बनाकर खड़ी हुई हैं। आप ये देखेंगे पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये महिलाएं खड़ी हुई हैं। मैडम, लिक्वर शॉप पर आई हैं लेने, कितनी बोतल दे रहे हैं अभी? अभी तो पता नहीं है, पता नहीं। तो क्या घर में कोई पुरुष नहीं था, वो नहीं आ पाया? नहीं, आप ही आ गई हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं, सोशल डिस्टेंसिंग सारी महिलाओं ने मेंटेन की हुई है। मैडम, शराब की दुकान पर आई हैं, लाइन में लगी हैं। हाँ। तो क्या पुरुष नहीं था कोई घर पर? पुरुष नहीं आ पाया? पुरुष का कोई आदमी, कौन, किसने पीनी होती है? पीनी है हमारे आदमी को। आदमी ने पीनी? हाँ। अपने आदमी के लिए लेने आई है? हाँ। कितनी बोतल लेकर जाएंगी? तीन पेटी। तीन पेटी? हाँ। तीन पेटी दे देंगे? हाँ, दे देंगे, देखते हैं, मालूम करते हैं। तो क्या इकट्ठा एक साल का पूरा कोटा लेके रख रही हैं? 40 दिन का। 40 दिन का कोटा लेके रख रही हैं, जो 40 दिन बंद रहा है, तो एक साथ पियेंगे तीन पेटी? धीरे धीरे पियेंगे, धीरे धीरे पियेंगे। तो ये हालात हैं। अगर मैं आपको और भी दिखाऊंगा, आपको और भी बात करूँगा, सबसे बड़ी खास बात है सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है पूरा। हाँ, बीमारी की वजह से। बीमारी की वजह से। तो यहाँ पर क्या शराब लेने आई है? हाँ। क्या पुरुष क्यों नहीं आए? वो नहीं आ पाए घर पे, हम लोग कोई भेजा, मैं तो दो क्वार्टर लेने आई बस। खाली दो क्वार्टर लेने आई? चलिए, आप लाइन में लगी रही है। लाइन में अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइन में पूरी तरीके से लगी हुई है, लगातार लाइन है, भीड़ है यहाँ पर महिलाओं की। और सबसे बड़ी बात है सोशल डिस्टेंसिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। कल जहाँ देखा गया था सोशल डिस्टेंसिंग किसी ने मेंटेन नहीं किया था। मैडम, शराब लेने आई हैं? जी नहीं, भंडारे की लाइन में। किस लिए लगी हैं लाइन में? भैया सब लगे हैं, मैं भी लग गई। नहीं तो क्या, किस लिए लगी हैं, क्या लेंगी? महिला है। सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप लोग खड़े हैं शराब की लाइन में। हाँ जी। तो शराब लेने आए हैं, क्या करें सर, हस्बैंड के लिए तो लेनी पड़ेगी। हस्बैंड के लिए? तो हस्बैंड क्यों नहीं आए? सर लाइन इतनी लंबी है। लाइन लंबी करके तो, लेकिन लेडीज की लाइन भी, वाइफ्स की लाइन भी बहुत लंबी होगी, अब तो हस्बैंड की लंबी थी, क्या करें सर, हैं? क्या करें? क्या अच्छा करें? एक बात बताइए कि जिस तरीके से हमारे देश में, भारत में महिलाएं शराब की दुकान पर देखी नहीं जा सकती खड़ी, आज ये अजूबा सा नजर आ रहा है, आपको नहीं लग रहा? हाँ जी बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। हमारी संस्कृति में तो ऐसा नहीं, नहीं है कि महिलाएं, बिल्कुल सही। तो फिर आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? क्या करें? सभी खड़े हैं, सभी खड़े हैं, सभी खड़े हैं, और हैं, एक आंटी भी खड़ी हैं। आंटी एक बात बताओ, आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ आपने, एक चीज हमारे देश की संस्कृति में, भारत में, आपने तो बहुत दुनिया देखी है, महिलाएं शराब की दुकान पर कभी खड़ी देखी है? नहीं खड़ी देखी, मजबूरी में खड़े हैं, क्या करें, आदमियों की लाइन इतनी लंबी है, अब बगैर पिए उनको नींद नहीं आती है। अच्छा, तो एक पैक तो चाहिए ही चाहिए है। अच्छा, तो इस मजबूरी में खड़े हैं, मजबूरी में क्या करें, वो बगैर उससे जी नहीं सकते, एक पैक जरूर लेते हैं। हाँ। तो कितनी लेने, आप तो थैला पूरा लेकर आई हैं? नहीं नहीं, थैला नहीं, एक मिल जाए, दो मिल जाए, जो मिल जाए इस वक्त। हाँ, तो कम से कम हफ्ता 10 दिन चल तो जाएगी। हफ्ता 10 दिन चल जाएगा। मैं और दिखाऊंगा आपको, महिलाएं हैं और बहुत सारी हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ और भी जो लेडीज हैं, ये आप देखिए लाइन में, सबसे बड़ी बात है लाइन में है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ है। मैडम एक चीज बताइए, मैं फिर आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ,
भारत देश में महिलाएं वाइन शॉप पे शराब की दुकान पर खड़ी हुई नहीं देखी जा सकती, ऐसी संस्कृति नहीं है हमारी। तो लेकिन आज कैसे महिलाएं भी सड़क पर उतर आई, वो भी शराब की दुकान पे। और चीजों में तो महिलाएं आगे हैं, लेकिन आज शराब की दुकान पर भी आगे आ गई। इस चीज में आगे हैं औरतें, किसने कहा, हर चीज में औरत आगे हैं। अच्छा, हर चीज में शराब की दुकान पे भी अब आ गई है। और क्या करा जाए, और क्या क्या कारण क्या रहा, कारण क्या? कुछ भी कारण नहीं है, एंजॉय है अपने अपना, अपना अपना एंजॉय, और क्या नहीं सर, अपना अपना एंजॉय है ये मानना है। बहुत छोटे लग रहे हो आप, आपको दे देंगे शराब। अच्छा, आपके साथ आएंगे, ठीक है ठीक है, बच्चों को भी ले। और भी ये लाइन में अगर मैं दिखाऊं आपको, इसी तरीके से महिलाएं आ रही हैं, जा रही हैं। लोगों का, इन महिलाओं का मानना है कि औरतें किसी भी काम में पीछे नहीं रह सकती, तो शराब की दुकान के आगे लाइन में क्यों पीछे रहें। दिल्ली से विनय सिंह, न्यूज 24।